ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसी के वजह से चुनाव टाल रही है। और ये अब तारीख बदल दी, जब इन्हें यही बढ़ाना था तो ये पहले भी तो चुनाव करा सकते थे जिन तारीखों में आज चुनाव हो रहे हैं। क्या वजह कि इन्होंने तारीख बदल दी? कोई ना कोई खास तैयारी भाजपा कर रही होगी, जो जो समय उन्हें नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि वोट नहीं डालने देंगे। लोकतंत्र में या चुनाव आयोग इन बातों को देख रहा होगा कि इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए, बूथ चिन्हित कर रहे होंगे ये लोग। डेट इसलिए बढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए कि वोट डाल के जाएंगे। तो जब भनक पड़ गई इनको तो इन्होंने चुनाव आयोग से तारीख बदलवा दी। हार के डर से इन्होंने तारीख बदली है। और उन्हें ये भी पता था कि यूपी में जो वोट पड़ेगा, वो जो हार होगी, जो संदेश जाएगा, कहीं इनका महाराष्ट्र का चुनाव भी न गड़बड़ा जाए। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसी के वजह से चुनाव टाल रही है। मैदान में आपने देखा होगा पहलवानों को, रिंग से बाहर कौन सा पहलवान भागता है? कौन सा पहलवान रिंग से बाहर भागता है बार बार, जो हारता है? इसीलिए कभी अयोध्या का चुनाव टाला इन्होंने, और ये अब तारीख बदल दी। जब इन्हें यही बढ़ाना था तो ये पहले भी तो चुनाव करा सकते थे जिन तारीखों में आज चुनाव हो रहे हैं। क्या वजह कि इन्होंने तारीख बदल दी? इसका फायदा मिलेगा क्या भाजपा को? वो कोई ना कोई खास तैयारी भाजपा कर रही होगी, जो जो समय उन्हें नहीं मिला, जो समय नहीं मिला। बीजेपी की जो खास तैयारी है वो पुलिस को आगे करके है। जब आप मुख्यमंत्री जी से ये सुनते हो कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि वोट नहीं डालने देंगे। लोकतंत्र में या चुनाव आयोग इन बातों को देख रहा होगा कि इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए, बूथ चिन्हित कर रहे होंगे ये लोग, बूथ चिन्हित कर रहे होंगे कि बूथ पर फोर्स लगा दो कि वोट निकले नहीं। जबकि फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए। ये केवल वोट रोकने की रणनीति बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने हफ्ता बढ़ाया। और इन्हें पता था त्यौहार पे जो लोग आए हैं दूर से छोड़ करके, वो सब इन्हें चुनाव हरा देते।